आज हम पेंटागन के इन्वोल्यूट बनाएंगे। तो कैसे इन्वोल्यूट बनाते हैं देखते हैं। हम पेंटागन जो क्वेश्चन में है वो 25 मिलीमीटर का है साइज। तो एक पेंटागन का पांच साइज होता है, तो 25 मिलीमीटर करके पांच साइड होगा। तो अब पहले पेंटागन के एक साइड्स बनाते हैं। यहाँ पर हम एक डायगोनल स्केल लिया है, उसके बाद 25 मिलीमीटर एक बेस बना रहे हैं। ये हो गया 25 मिलीमीटर। अब पेंटागन के इंटरनल एंगल जो होता है वो 108 डिग्री का होता है, तो इसलिए एक पॉइंट पे ये जो एरो है ये एरो को बैठा दिया। उसके बाद यहाँ 100 डिग्री, उसके बाद 105 और उसके बाद 108। 108 में एक पॉइंट ले लिया है, तो ये हो गया 108 डिग्री में। और एक साइड में और एक 108 डिग्री बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे सेम प्रोसेस है। 100, 105, 6, 7, 8। 108 में और एक पॉइंट ले लिया है। अब ये जो दो साइड्स बनाएंगे वो भी 25 मिलीमीटर के बनाएंगे। यहाँ से दोनों पॉइंट कनेक्ट किया। उसके बाद 25 मिलीमीटर यहाँ पे हो रहा है। 25 मिलीमीटर हो गया। उसके बाद ये इस साइड पे यहाँ हो गया और एक 25 मिलीमीटर का साइड। तो अब कंपास देख लेंगे एक बार। ये 25 मिलीमीटर है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो 25 मिलीमीटर पे एक मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया 25 मिलीमीटर। अब कंपास से 25 मिलीमीटर का रेडियस लेके जो ऊपर के जो दोनों पॉइंट है वहाँ बैठाएंगे इधर, और एक आर्क करेंगे। और उसके बाद और एक साइड से उसको काट कर देना है। तो जो पॉइंट हमको मिला है वो पॉइंट बाकी दोनों पॉइंट से जोड़ देंगे। तो एक हो गया साइड और एक साइड बाकी है, तो ये हो गया पेंटागन कंप्लीट। अब इसको नाम दे देते हैं। वन या टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर और यहाँ पे फाइव हो गया। ये जो इंटरनल एंगल है, पांच इंटरनल एंगल है इसमें, तो सारे इंटरनल एंगल 108 डिग्री का होगा। ये हो गया एक एंगल, लिख दिया है 108। और ये जो सारे एंगल है सब एंगल 108 डिग्री का होगा। तो अब हमें पेंटागन के साइड्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे इस साइड में, और हम चाहे तो उल्टे साइड में भी कर सकते हैं, इस साइड में भी कर सकते हैं। जिस साइड में करेंगे सारे लाइन को एक ही साइड में बढ़ाना है, और उल्टे साइड से है तो सारे को उल्टे से, और सीधे से है तो सारे को सीधे से हम बनाएंगे इस साइड में। तो ऐसे पहले 2 1 जो लाइन है उसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा, हो गया इतना। अब 1 और 5 का रेडियस लेके पॉइंट 1 पे रख के
एक कार्ब बना लेंगे, वो एक्सटेंड किया हुआ लाइन तक, तो ये होगा एक कार्ब। उसके बाद लाइन 3-2 को एक्सटेंड करेंगे इस साइड पे, पहले वाला लाइन से थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, ये हो गया। अब 2-1 एज रेडियस, सॉरी 2-1 नहीं, ये इतना रेडियस लेके इधर ऐसे कर्व बनाना है, तो ऐसा इतना हुआ। उसके बाद 4-3 को एक्सटेंड करेंगे, जब एक्सटेंड करेंगे एक के बाद एक लाइन, तो नेक्स्ट जो लाइन एक्सटेंड होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। अब 3 और इस पॉइंट का रेडियस लेके एक कर्व बनाएंगे एक्सटेंड किया हुआ लाइन तक, ये आ गया इतना। इसके बाद और एक लाइन 5-4 को एक्सटेंड करेंगे, 5-4 को थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड करना है, ऐसे एक्सटेंड हो गया। अब 4 को सेंटर करके ये रेडियस लेके ये कर्व बनाना होगा ऐसे। और ये जो इनवोल्यूट का बाकी एक पॉइंट है उसको 1-5 को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये इतना सा एक्सटेंड होगा। उसके बाद 5 और जो लास्ट पॉइंट था कार्ब का वो रेडियस होगा, और एक कार्ब बनेगा एक्सटेंड किया हुआ लास्ट लाइन तक। ये थोड़ा गलती हो गया यहाँ, ठीक से ले लेते हैं। अब ये हो गया, कंप्लीट हो गया। ये जो कार्ब अब देख रहे हैं वो हो गया हमारा कंप्लीट इनवोल्यूट। अब हम कुछ चीज़ देख लेंगे, इसको अलग से तरीके में भी किया जा सकता है। उसके लिए ये देखते हैं, ये लाइन का लेंथ ये हो गया हमारा 25 मिलीमीटर, और अब सेकंड लाइन देखते हैं, ये हो गया 50 मिलीमीटर का पूरा। 50 मिलीमीटर इक्वल टू 2 × 25 मिलीमीटर, मतलब जो पेंटागन के बेस है वो दुगनी हो गई। अब ये लेंथ हो गया 75 मिलीमीटर, तो ये 3 × 25 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 से एक बेस को मल्टीप्लाई किया जाए तो इतना लेंथ होगा, और ये हो गया 100 मिलीमीटर, तो ये 4 × 25। पेंटागन के बेस को 4 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है यहाँ, और यहाँ हो गया 125 मिलीमीटर, जो है कि 25 × 5। अब ये जो पॉइंट है 25, 50, उसके बाद 75, 100 और 125 मिलीमीटर, ये जो पॉइंट है सारे, इस पॉइंट को लेके हम एक फ्रेंच कर्व से भी जोड़ सकते हैं, तो भी हमारा पेंटागन, सॉरी पेंटागोनल इनवोल्यूट कंप्लीट होगा।